हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे एक समर रिसर्च फेलोशिप की जो कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की तरफ से आया हुआ है। इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है द मैरी लिस्टर मैकमन समर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो हु इज शी? मैरी लिस्टर मैकमन, तो शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने दिस इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से PhD की थी मैथमेटिक्स में। तो उनका ही एक वो है, उनके नाम पर ही एक समर फेलोशिप है। तो बेसिकली ये वुमेन्स के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो जो भी वुमेन्स हैं उनके लिए है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम सब देखेंगे आगे जाके। बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब बाहर जाके काम करना, राइट? तो एक नया एक्सपोजर मिलता है रिसर्च के फील्ड में। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द वुमेन्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है जो कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है द मैरी लिस्टर मैकमन रिसर्च फेलोशिप? इज फंडेड अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड द समर बिफोर योर फाइनल ईयर एट यूनिवर्सिटी वर्किंग इन रिसर्च विद द लीडिंग मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन इन एसेंशियल। This is a chance to try out to being a PhD student of for the summer and gain the research experience which will make your PhD application more competitive. कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा रिसर्च फेलोशिप है जो आपको एक रिसर्च में एक्सपीरियंस देगा आपके समर में, जब आपको फ्री टाइम होता है, तो एक आपको एक रिसर्च एक्सपोजर देगा कि रिसर्च किया कैसे जाता है, जो कि आपके PhD में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? तो प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि तो ये 10 वीक का प्रोग्राम है, मतलब अराउंड 2.5 महीने का प्रोग्राम है, जो कि 4 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है। स्टाइपेंड जो है वो 340 यूरो है पर वीक का, सेम एज ए PhD स्टूडेंट जो भी है, बेस्ड एट इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। और सेम जो है, या तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में होगा या तो किंग्स कॉलेज में होने वाला है ये, राइट? ऐसे 14 अलग अलग प्लेसेस आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स पे आपको वो कराया जाएगा, रिसर्च कराया जाएगा। ठीक है, मतलब है वहाँ पे। उसके बाद 2021 में तो ये रिमोट था, बट 2022 में ये प्लानिंग है कि इसको बुला के ऑफलाइन किया जाए, फिजिकली इसको किया जाए, बट वो तो सब कोरोना पे डिपेंड करता है। ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि प्रीवियस फेलोज का है। जैसे कि पहला जो कमेंट है, आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन आई वुड नॉट नाउ बी बीइंग अ PhD इफ आई हैडंट हैड द MLM फेलोशिप। अगर मैं इस फेलोशिप में नहीं गया तो मैं PhD नहीं कर सकता था। तो एक रिसर्च एक्सपोजर मिलता है कि एक्चुअली रिसर्च किया क्यों जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे वुमेन्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे कुछ करना चाहती हैं, राइट? एरियाज की बात करते हैं तो फेलोशिप आर अवेलेबल टू द वर्क इन एनी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कवर्ड बाय वन और आवर सुपरवाइजर, दो मोस्ट प्लेस विल बी रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द स्पॉन्सरिंग CDT। तो ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम यू मस्ट बी अ वुमेन, पहले तो आपको वुमेन होना पड़ेगा, हु विल बी अंडरटेकिंग द फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री, मतलब जो अपने मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में होने चाहिए उनके लिए है ये, जो कि 2022-2023 की बात करते हैं। योर डिग्री विल बी मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स का डिग्री होना चाहिए, फिर कंप्यूटर साइंस फिजिक्स रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, और आप इंटरेस्टेड होना चाहिए कि आप मैथ्स में आगे जाना चाहते हो, राइट? Fellowship is not restricted by the nationality or fee status. However, it is also not possible for Imperial to sponsor visas under this program. मतलब क्या है कि आपको fellowship and all तो मिल जाएगा, लेकिन visa वगैरह तो आपको ही देखना पड़ेगा, right? How to apply? बहुत ही simple सा procedure है। Apply using the form here. एक form है, आप इसको भी open करके देखेंगे। The form will ask you for your CV, transcript and the personal statement about the area of math and statistics you इंटरेस्टेड। ठीक है, तो 25 फरवरी के पहले आपको इसको भर देना है। ठीक है, और आपको मार्च के एंड तक आपको ये ऑफर मिल जाएगा, राइट? तो अगर इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं हम, तो हमें देखने को क्या मिलेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो कुछ फर्स्ट नेम, सरनेम, आपका एड्रेस, पोस्ट कोड, कंट्री पूछा है, आई एम उमर यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपके स्टडीज की बात किया, आप अपने स्टडीज के बारे में बताइए कि आप कहाँ पर हैं, किस सेमेस्टर में हैं, जो भी है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में है, इफ नॉट इन थर्ड ईयर एंड ऑल दैट, फाइनल ईयर ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, सम ऑफ प्रोग्राम फंडिंग में रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टूडेंट फी स्टेटस, व्हाट इज योर फी स्टेटस, अपना फी स्टेटस बता दीजिए कैसा है, क्या है। उसके बाद सुपरवाइजर एंड इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट के बारे में बताइए, ये सारे आपको टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे,
ठीक है, उसके बाद अपना सीवी अपलोड कीजिए, अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी पर्सनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमें बताना होता है कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्यों आया, क्या आप करना चाहते हैं, राइट, आपका गोल क्या है, इस फेलोशिप को पाने के बाद आप क्या करेंगे, इन सब चीजों की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड हाउ डिड यू हियर, मतलब ये अराउंड 2500 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो आप इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज वगैरह मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल स्टेटमेंट, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है विदाउट एनी एप्लीकेशन फी। सो द फॉर द वुमेन इन इंडिया आई वुड, जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है और जो कि अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि भाई जो भी है प्लीज अप्लाई करो आप लोग, ठीक है, और जाओ एक बार अपना एक रिसर्च एक्सपोजर लेके आओ इंडिया के बाहर भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऐसे ही मैथ्स रिलेटेड न्यूज, मैथ्स रिलेटेड रिसर्च एरियाज में क्या हो रहा है, आपका मैथ्स में क्या स्कोप है, जो भी है, इस चैनल पे आते रहेगा। थैंक यू।